हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। PCR के बारे में, सेल्फ फ्री क्लोनिंग के बारे में बात करूंगा, ठीक है। PCR के बारे में फटाफट डिस्कस करेंगे। सेल्फ फ्री क्लोनिंग है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, इन विट्रो टेक्निक होता है। इट्स एन इन विट्रो टेक्निक। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसमें होता है, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन विट्रो टेक्निक होता है। ये क्या करते हैं, इट्स अ मिमिक्री ऑफ द रिप्लिकेशन। क्या है जी, ये मिमिक्री की जाती है, मिमिक्री ऑफ द रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन की मिमिक्री होती है यहाँ पे, रिप्लिकेशन जो होता है, रिप्लिकेशन की मिमिक्री हो रखी है, रिप्लिकेशन की मिमिक्री की जाती है, हम उसको इन विट्रो मिमिक करते हैं रिप्लिकेशन के बारे में। सी द कंपोनेंट्स फॉर द PCR या व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द PCR। पहली चीज जो चाहिए वो आपको चाहिए DNA टेम्पलेट। द फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर्ड इज द DNA टेम्पलेट। सेकेंड थिंग यू रिक्वायर्ड इज द DNA पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज में भी जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है टैग पॉलीमरेज। वो कौन सा चाहिए होता है, टैग पॉलीमरेज चाहिए होता है, ठीक है, टैग पॉलीमरेज चाहिए होता है। अब देखने की कोशिश करिएगा कि टैग पॉलीमरेज क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये थर्मोस्टेबल होता है। नाउ उसके बाद आता है थर्ड, जिसको बोलते हैं प्राइमर। थर्ड जो होगा वो प्राइमर चाहिए, जैसे कि डीएनए रिप्लिकेशन में प्राइमर चाहिए था, यहां भी प्राइमर चाहिए। फोर्थ जो होता है जिसको कि DNTP, जैसे DATPs, DDTPs, DCTPs, DTPs एंड वो सारे AGCT, ये सारे के सारे डी ऑक्सी फॉर्म में चाहिए। DATP, DCTP, ये सारे के सारे जितने भी हैं वो आपके डी ऑक्सी फॉर्म में चाहिए। उसके अलावा फिफ्थ वन इज Mg2+ एंड सिक्स्थ वन इज द बफर, ठीक है, पीएच मेंटेन करने के लिए आपको बफर चाहिए। तो ये चीजें जो होती हैं, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द PCR। ये जो रिएक्शन मिक्सर आप बनाते हो PCR रन करने से पहले, तो इसमें ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो मिक्स करने होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ वन बाय वन लेके चलते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज द डीनेचुरेशन। तो पहला प्रोसेस जो होता है, दैट इज जो डीएनए रिप्लिकेशन में ये काम करता है इन विवो, वो काम करता है हेलिकेज। हेलिकेज की मिमिक्री हम यहाँ पे नहीं कर पाते, हम इसको तोड़ने के लिए दो, आपके यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दो डबल स्टैंडर्ड में, इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हाई हीट का यूज करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन किया जाता है, डीनेचुरेशन जनरली किस टेम्परेचर पे किया जाता है, दैट इज 90-95 डिग्री टेम्परेचर पे। एंड इस टेम्परेचर पे डीएनए जो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में टूट जाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में टूट जाता है, क्यों, क्योंकि बिना सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट किए कोई भी डीएनए रिप्लिकेट या PCR फॉर्म में नहीं जा सकता है। सो यू हैव टू कन्वर्ट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे, चलिए लेके चलेंगे फटाफट जी, फटाफट लेके चलेंगे कि ये PCR का फॉर्म हो गया। अब PCR प्राइमर एनलिंग के बारे में बात करते हैं। प्राइमर एनलिंग, द सेकंड स्टेप डीनेचुरेशन के बाद आता है प्राइमर एनलिंग। अब जब प्राइमर एनलिंग करेंगे तो उससे पहले जो रिक्वायर्ड होता है, दैट इज व्हाट द प्राइमर डिजाइन, तो कर लो। प्राइमर एनील तब करोगे जब प्राइमर डिजाइन करोगे ना, बिना प्राइमर डिजाइन की एनीलिंग तो कर नहीं सकते। सो डिजाइन प्राइमर करेंगे, यानी कि नॉलेज ऑफ सीक्वेंस आपको होना चाहिए। यू हैव द नॉलेज ऑफ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। उसके लिए सीक्वेंसिंग किया जा सकता है डीएनए सैंपल का, जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, यानी सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड। यहाँ पे सीक्वेंसिंग जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा। सीक्वेंसिंग का पार्ट हम देखेंगे कल, कल भी सीक्वेंसिंग का पार्ट आएगा, वहां पे हम देखेंगे कि सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं और उसके रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सीक्वेंसिंग का पार्ट हम देखेंगे कल के वाले सेशन में। नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा, डिजाइन क्राइटेरिया जो होता है प्राइमर के, वो तीन डिजाइन क्राइटेरिया होते हैं। GC कंटेंट मस्ट बी ग्रेटर देन
40 to 60%, 40 to 60% से ज्यादा होना चाहिए लेंथ जो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ दैट इज फॉर द लेंथ, इसके लेंथ जो होनी चाहिए वो 15 से 25 बेस पेयर के आसपास होना चाहिए, 15 से 25 बेस पेयर के आसपास होना चाहिए। टेम्परेचर दैट इज मेल्टिंग टेम्परेचर जो होना चाहिए वैलेस रूल के अकॉर्डिंग 4G प्लस C इनटू 2A प्लस T होना चाहिए। दिस इज व्हाट द अकॉर्डिंग टू द वैलेस रूल। ये आपके नोन सिक्वेंसेस होंगे तभी, जैसे ये देखिए एक नोन सिक्वेंस है ATGCTA ATGCA, ये तभी आप, अगर पता नहीं होगा आपको तो कैसे इसके अगेंस्ट प्राइमर आप डिजाइन कर पाओगे, कैसे डिजाइन कर पाओगे A के अगेंस्ट T फिर T के अगेंस्ट A, तभी कर पाओगे जब आपको नोन या उसके बारे में नॉलेज पता हो, ठीक है। और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन G और C के बीच में इसलिए होता है क्योंकि G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, और A और B T के बीच में जो होता है डबल बॉन्ड होता है जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, इसलिए यहाँ पे AT आपके बीच में 2 मल्टीप्लाई होता है और सी जी सी के बीच में 4 का मल्टीप्लीकेशन होता है बिकॉज ऑफ द बॉन्ड एनर्जी डिफरेंसेस। नाउ आगे मूव करता हूं प्राइमर एनलिंग में। प्राइमर डिजाइन का क्राइटेरिया एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जीसी कंटेंट 40 to 60% हाई होना चाहिए, लेंथ 15 से 25 बेस पेयर, एंड मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर का एक सिग्निफिकेंस होता है जी यहाँ पे, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर ही बताता है आपको। मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट इसलिए करते हैं क्यों, क्योंकि एनलिंग जो टेम्परेचर होता है, एनलिंग जो टेम्परेचर होता है, एनलिंग टेम्परेचर इज TM माइनस 5, जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उससे 5 कम होता है आपका मेल्टिंग टेम्परेचर से, जो कि एनलिंग टेम्परेचर के बारे में अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया? नाउ आगे मूव करते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसके लिए देखने की कोशिश करिएगा व्हाट इज द जीसी कंटेंट, कैसे जीसी कंटेंट कैलकुलेट करेंगे। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 20 बेस पेयर का, ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है, कैलकुलेट करिए जनाब, ये क्या है, देखिए नंबर जीसी कंटेंट पहले कैलकुलेट करिए, जीसी कंटेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 20 सिक्वेंसेस हैं, 11 है जीसी, तो 11/20 इनटू 100 दैट इज द 55%, जीसी कंटेंट कितना है 55% है। क्राइटेरिया फुल हो गया, क्राइटेरिया फुल हुआ कि नहीं हुआ, क्राइटेरिया फुल है आपका कि जीसी कंटेंट जो 40 से कम तो नहीं गया है, ठीक है। दूसरा दैट इज व्हाट कि TM, अब TM कैलकुलेट करिए, 4G प्लस C 2 इनटू आपका 2 इनटू A प्लस T, 4 जो है 4G प्लस C 11 है, और जब 11G प्लस C है तो A प्लस T 9 हो जाएगा क्योंकि टोटल जो है यहाँ पे टोटल 20 है, जब टोटल जो है वो 20 है तो 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 11 इंटू 4 44 प्लस 18 62, ये आ गया TM। अब अगर मैं थर्ड बोलूं एनिलिंग टेम्परेचर के बारे में, तो एनिलिंग टेम्परेचर इज द TM माइनस 5 दैट इज 62 माइनस 5 दैट इज द 57 डिग्री सेंटीग्रेड। इज इट क्लियर हाउ यू कैन कैलकुलेट, अगर आपके पास एक डीएनए सेगमेंट दिया है तो कैसे जीसी कंटेंट, टीएम और एनिलिंग टेम्परेचर आप निकाल सकते हो, ठीक है जी। चलिए ग्रेट, अब बात करते हैं एनिलिंग प्रोसेस के लिए, लेट्स टॉक अबाउट द एनिलिंग प्रोसेस। एनिलिंग प्रोसेस के बारे में जब यहां पे बात करूंगा मैं, एनिलिंग प्रोसेस में क्या हो जाता है, एनिलिंग प्रोसेस में देखिएगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहले क्या करेंगे कि डीनेचर किया था, डीनेचर करने के बाद हमेशा डायरेक्शन किसी भी चीज की सिंथेसिस का डायरेक्शन 5' to 3' डायरेक्शन होता है सिंथेसिस का डायरेक्शन, और न्यू स्ट्रैंड हमेशा 3' एंड पे आपका जाता है टेम्पलेट के। तो देखिएगा इस 3' एंड पे, ये जो 3' एंड है यहां से प्राइमर क्या होगा, लाइगेट करेगा, एनील करेगा, यहां के 3' एंड पे टेम्पलेट के 3' एंड पे प्राइमर लाइगेट किया, और लाइगेट करके यहां से 3' से एक्सटेंशन होना शुरू हो जाता है, तब ये जब हम एक्सटेंशन के लिए इसको लेके जाएंगे। लेकिन अभी एनिलिंग करा रहे हैं, एनिलिंग का जो टेम्परेचर होता है जनरली 55 टू 60 होता है, अगर कुछ ना दिया हो तो आप 55 मान के चलेंगे, ठीक है जी। दिस इज नोन एज द रिवर्स प्राइमर एंड दिस इज नोन एज द फॉरवर्ड प्राइमर। नाउ फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर बोलते हैं। अब मैं मूव कर रहा हूं, फॉरवर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जाता है, रिवर्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उल्टे डायरेक्शन में जाता है। नाउ अब आगे मूव करने की कोशिश करते हैं, सी दिस इज द
एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का जो साइकिल होता है दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है जी, 72 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपने प्राइमर एनील करा दिया था, ये एक्सटेंशन शुरू हो चुका है। आप देख रहे होंगे एक्सटेंशन इस तरीके से बढ़ रहा है। एक्सटेंशन के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है, जैसे फर्स्ट चीज DNA, दूसरा Mg2+ एंड तीसरा DNA पॉलीमरेज। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आपके कहते हैं PCR के लिए। टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है यहाँ पे। टैग पॉलीमरेज की जो ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। थर्मस एक्वेटिकस से निकाला जाता है, थर्मोस्टेबल होता है, 90-95 डिग्री तक ये टॉलरेट कर पाता है, जो कि डीनेचुरेशन टेम्परेचर होता है। इसी वजह से हम ऐसे पॉलीमरेज को यूज करते हैं जो हाई थर्मोस्टेबल होते हैं। इज इट क्लियर? इसके अलावा कई अलग अलग होते हैं जो कहते हैं पायरोकोकस या थर्मस थर्मोफिलस, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यूज किए जाते हैं। वेंट पॉलीमरेजेस हैं, टैग पॉलीमरेजेस हैं, TTH पॉलीमरेजेस हैं, जो कि एक्सटेंशन में यूज किए जाते हैं। नाउ अब मैं बात करता हूं कि ये आपके तीनों प्रोसेस थे अगर इसको आप देखोगे। सो दिस इज द PCR साइकिल। फर्स्ट इज द डीनेचुरेशन, सेकेंड इज द एनलिंग, एंड द थर्ड इज द एक्सटेंशन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इन डीनेचुरेशन 90-95 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मिनट के लिए होता है, एनलिंग 55 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मिनट के लिए, और PCR साइकिल एक्सटेंशन जो होता है वो आपके 72 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मिनट के लिए होता है। अगर टेम्परेचर प्रोफाइल की बात करें तो टेम्परेचर प्रोफाइल में टेम्परेचर वर्सेस टाइम का प्रोफाइल जो बनता है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम के प्रोफाइल में क्या होता है, यहाँ पे डीनेचुरेशन होता है, यहाँ पे एनलिंग है, और इसके लिए होता है एक्सटेंशन। टेम्परेचर जो होता है ये 90 के आसपास होता है, ये जो होता है 55, और ये जो होता है 72 के आसपास। दिस इज व्हाट द डीनेचुरेशन, एनलिंग एंड एक्सटेंशन। इज इट क्लियर? नाउ अब आता है PCR के प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का। PCR के प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने की बात आती है तो PCR का जो प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, PCR भी जैसे सेल डिवाइड होता है ना, वैसे ही PCR भी डिवाइड होता है। देखने की कोशिश करिएगा, PCR मतलब DNA का, DNA रिप्लिकेट होता है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, एक्सपोनेंशियली चलता है। कैसा चलता है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है जी, एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज होता है। जब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है तो n is equal to n naught into 2 to power n, where n is the PCR cycle। अगर आपको final number पता करना हो तो आप ये बता दोगे कि कितना initial number था, कितनी बार cycle run किया है, उसके basis पे बताया जा सकता है। PCR product अगर concentration amount में दिया हो तब आप use कर सकते हो initial amount into 1+% efficiency to power n। अगर 100% efficiency हो जाती है तो formula इसी में transfer हो जाता है। क्यों? क्योंकि 100% efficient हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये value 1 आ जाएगी, 1+1, 2 to power n आ जाएगा, जो कि exactly यही formula था। इसको आप जब efficiency के term में लेके आते हो तो ये dissociate कर देते हो, जिससे कि ये form आ जाता है। This is what, how you can calculate the product, PCR product. Is it clear? Now, moving to the part, the types of PCR. ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है टाइप्स ऑफ PCR, सिर्फ PCR के बारे में है। और टाइप्स ऑफ PCR में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं जो कि दो चीजें मेंशन है। सिलेबस तो इस तरीके से दे दिया है, सिर्फ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी दे दिया है एक्सेल में, और बायोटेक में थोड़ा सा एक्सटेंड किया है RDT को। सो बहुत डिटेल में हर एक PCR को बताने का कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनता। अलग अलग टाइप होते हैं, मैं एक छोटे से डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ रियल टाइम PCR। एक छोटा डिस्क्रिप्शन सुनने की कोशिश करिएगा। रियल टाइम PCR क्या करता है? इट्स अ रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। जैसे जैसे एक्सटेंड होगा तैसे तैसे हमें पता चलता रहेगा। RT-PCR जो होता है ये mRNA के लिए यूज करते हैं। mRNA को पहले cDNA में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका PCR करेंगे, दैट इज व्हाट द RT-PCR। नेस्टेड PCR जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इंटरनल प्राइमर यूज करते हैं। क्या करते हैं? इंटरनल प्राइमर, टू सेट ऑफ प्राइमर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? टू सेट ऑफ प्राइमर, एक नॉर्मल और एक इंटरनल। उसके बाद आता है टच डाउन या हॉट स्टार्ट PCR। इसमें जो एनलिंग होती है, एनलिंग का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि 55 था, इसमें एनलिंग टेम्परेचर इंक्रीज करके 72 डिग्री के आसपास ले जाते हैं, जहां पे एक्सटेंशन होता है। इनवर्स PCR में जो उसके बाद उसका रीलाइगेशन करते हैं
जैसे कि नोन सीक्वेंसेस के बीच, जो अननोन सीक्वेंसेस के बीच में नोन सीक्वेंस है उसको हमें पता करना होता है कि कैसे पता करें, तब ये करते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंड रीलाइगेशन देन पीसीआर। ठीक है, ये करते हैं इनवर्स पीसीआर में, उल्टा करते हैं। उल्टा करते हैं मतलब कि ये कुछ इस तरीके का पार्ट होता है कि आपको अगर सीक्वेंस है, कुछ इस तरीके का सीक्वेंस है, अगर मैं इनवर्स पीसीआर के बारे में बात करूं, सो इनवर्स क्या करता है काम, इनवर्स में मान लीजिए कि बीच में आपके पास नोन है और साइड साइड में अननोन है, तो साइड में प्राइमर बाइंड करता है और प्राइमर के लिए आप अननोन सीक्वेंसेस पे बाइंड नहीं करा सकते, तो क्या करते हैं पहले इसको कट कराएंगे, यहां पे कहां पे कट कराएंगे, यहां से कट करा, यहां से कट करा, कट कराने के बाद लाइगेट करें और लाइगेट के बीच में ये आ गया दैट इज नोन। अब यहां से नोन से डाइजेस्ट कर देंगे तो नोन जो होगा, नोन बाहर आ गया, नोन जो होगा वो बाहर आ गया और अननोन अंदर चला गया, तो अब नोन के लिए आप पीसीआर डिजाइन कर लो और रन करा दो, दैट इज व्हाट द इनवर्स। आरएपीडी, एएफएलपी एंड सम अदर होते हैं, एक होता है आरएफएलपी, आरएफएलपी सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, और आरएफएलपी का ही एक दूसरा नाम होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जिसमें कोई भी पीसीआर की जरूरत नहीं होती। आरएपीडी जो रैंडम एम्पलीफिकेशन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें रैंडम प्राइमर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, रैंडम प्राइमर यूज करते हैं आरएपीडी में। एएफएलपी में एक बार रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, एक बार रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, वन टाइम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्लस टू टाइम पीसीआर, ये होता है एएफएलपी में। इज इट क्लियर, ये बेसिक है, इससे ज्यादा अगर पूछा जाएगा इन टाइप्स में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैंने कुछ बेसिक्स डिस्कस कर दिया जो की पॉइंट्स होते हैं हर एक टाइप ऑफ पीसीआर में। ठीक है जी, रियल टाइम पीसीआर में कुछ प्रोब्स यूज करते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए प्रोब्स यूज किया जाता है, वो प्रोब्स होते हैं जैसे कि टैकमैन और ये सारी चीजें, उन प्रोब्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। थ्री टाइप ऑफ प्रोब यूज इन द रियल टाइम पीसीआर, टैकमैन प्रोब, मॉलिक्यूलर बैकॉन्स एंड द इंटरकलेक्टिंग डाइज साइबर ग्रीन। साइबर ग्रीन जो होता है कहां बाइंड करता है, डीएनए के माइनर ग्रुप से बाइंड करता है, और मॉलिक्यूलर बैकॉन्स में हेयर पिन लूप जो होते हैं वो पाए जाते हैं फ्लूरोफोर और क्वेंचर को लेके। फ्लूरोफोर और क्वेंचर जो एक पार्ट होते हैं, फ्लूरोफोर और क्वेंचर कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे कि एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, अगर बड़ा भाई प्रेजेंट है, अगर क्वेंचर प्रेजेंट है तो छोटा भाई अपनी शैतानी नहीं कर पाता। एग्जैक्टली वही चीज है कि अगर क्वेंचर प्रेजेंट होगा, अगर क्वेंचर प्रेजेंट होगा तो फ्लूरोफोर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो फ्लूरोफोर जब अलग होगा तो फ्लूरिसेंस शो करने लगता है और क्वेंचर जब अलग होगा तो ये अपना कोई भी काम नहीं करेगा, तो दोनों को अलग होना जरूरी होता है। टैग पॉलीमरेज में भी यही काम होते हैं कि जैसे वो बाइंड करता है डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज आके फ्लूरोफोर को अलग कर देता है और क्वेंचर को भी अलग कर देगा, लेकिन दोनों जैसे अलग होते हैं फ्लूरोसेंस शो हो जाता है। और मॉलिक्यूलर बैकॉन्स में देखिए फ्लूरोफोर एंड क्वेंचर एक साथ बाइंडेड है, ये फ्लूरोफोर है, ये क्वेंचर है, ये एक साथ एक क्लोज है, तो काम वो अपनी शैतानी शुरू नहीं कर पाएगा, वो चमकना शुरू नहीं कर पाएगा। या आप कुछ इस तरीके से भी काम कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, एनालॉजी यूज कर सकते हो, क्योंकि लाइफ में हमारे क्या होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि बैक बाइटिंग करते हैं। ठीक है, बैक बाइटिंग करेंगे मतलब पीछे कुछ कुछ बोलते रहेंगे, क्या होता है, कहते हैं ना कि सामने रहेंगे तो अपना रंग नहीं दिखाएंगे लेकिन जैसे ही दूर जाएंगे अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए साथ में है तो रंग नहीं दिखा रहा, जैसे ही ये इसके इंटरनल सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होती है एम्पलीफाइड प्रोडक्ट के, जैसे ही बाइंड किया दूर गया और अपना रंग दिखाना शुरू, वैसे ही यहां पे होता है, जैसे फ्लूरोफोर और ये आपका क्वेंचर जो है ये साथ में है, फ्लूरोफोर और क्वेंचर साथ में है, जैसे ही ये अलग हुआ अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट द रियल टाइम पीसीआर, टैकमैन प्रोब, मॉलिक्यूलर बैकॉन्स एंड इंटरकलेक्टिंग डाई साइबर ग्रीन। इज इट क्लियर गाइस? हे गाइस, होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। सो प्लीज टिल द एंड टेक केयर एंड बाय बाय।